नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज देश भर में श्री गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। श्री गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि संत थे और उन्होंने रविदासीय धर्म की स्थापना की थी। गुरु रविदास जयंती उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। संत रविदास ने अपने कालजयी रचनाओं से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देश भर में आज 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। खासतौर पर यह दिन उत्तर भारत में मनाया जाता है, जिसमें पंजाब, हिमाचल और हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। इस अवसर पर कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। संत रविदास जी ने अपनी अनेक रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा की और मंदिर में शब्द कीर्तन में भी हिस्सा लिया। देश भर में आज श्री गुरु रविदास जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस मौके पर श्री गुरु रविदास मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे। उन्होंने संत श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में चल रहे कीर्तन भी सुने। बता दें कि रविदास जयंती के चलते ही पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख में बदलाव किए गए थे। राज्य के कई सियासी दलों ने आयोग से तारीख बदलने की मांग की थी, जिसके बाद एक चरण के मतदान को 14 फरवरी के स्थान पर 20 फरवरी को आयोजित कराने का फैसला लिया गया था। सीएम चन्नी ने भी मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग का समर्थन किया था। मशहूर गायक और कंपोजर बप्पी लहरी का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। बप्पी लहरी का निधन मुंबई के क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में हुआ है। बप्पी लहरी को अस्पताल में एक महीने भर्ती रखा गया था। इसके बाद उन्हें 15 फरवरी को छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। बप्पी लहरी का निधन मंगलवार रात को 11:45 पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बप्पी लहरी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्विटर पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बप्पी लहरी जी का संगीत सर्वांगीण था, विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। कई पीढ़ियों के लोग उनके कार्यों से खुद को जोड़ सकते हैं। उनका जीवन स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार को सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो दिल्ली से बठिंडा जा रहे थे। दीप सिद्धू के साथ उनकी गर्लफ्रेंड रीना रॉय भी मौजूद थी। हादसे के बाद रीना की जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर लग रहा है कि रीना को गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। रीना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं। हादसे के चंद घंटे पहले ही रीना रॉय ने दीप सिद्धू के साथ इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी और इस तस्वीर में वैलेंटाइंस डे पर दीप सिद्धू पंजाबी एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। दोनों इस तस्वीर में बेहद खुश दिख रहे हैं। रीना रॉय ने दीप के साथ अपनी यह तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी। दीप सिद्धू की गाड़ी का हादसा सोनीपत के पास हुआ, जहां दीप सिद्धू को स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में जा टकराई और दीप सिद्धू के शव को खरकोदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था, जहां से उसे देर रात सोनीपत शिफ्ट कर दिया गया। दीप सिद्धू को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम माना जाता है। बता दें कि दीप सिद्धू वही हैं जो किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 2021 को हुई लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी करार किए गए थे। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। केंद्र की मोदी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि देश में चोरी कर बाहर भेजी गई प्राचीन धरोहरों और मूर्तियों को भारत वापस लाया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही 18वीं शताब्दी की मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से वापस काशी लाया गया था, जो 100 साल पहले चोरी हो गई थी। अब मोदी सरकार करीब 1200 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को इटली से भारत वापस लाने जा रहे हैं। यह प्रतिमा 8वीं से 12वीं सदी के बीच की बताई जा रही है, जो सन 2000 में बिहार के नालंदा जिले में स्थित देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर में चोरी कर ली गई थी। बता दें कि बीते साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तो वहां से लौटते वक्त वे अपने साथ भारत से जुड़ी 157 महत्वपूर्ण कलाकृतियों को लेकर आए थे। साल 2014 के बाद मोदी सरकार 42 प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को दूसरे देशों से भारत वापस ला चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी भी आज बुधवार को श्री गुरु रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के दौरे पर हैं। दोनों इस दौरान श्री गुरु रविदास मंदिर भी जाएंगे और इसके साथ ही कांग्रेस की उपाध्यक्ष प्रियंका गांधी कानपुर में भी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगी।
दिल्ली सरकार ने श्री गुरु रविदास जयंती पर बुधवार को अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने बुधवार 16 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने संत रविदास जी की जयंती पर सभी सरकारी दफ्तरों में अवकाश की घोषणा की है। मध्यकालीन कवि समाज सुधारक संत रविदास जी ने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से जाति आधारित सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे और लखीमपुर खीरी केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद करीब 130 दिन बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू जेल से बाहर आ गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री टैनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य गेट के बदले पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा था कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसानों को कुचलने के लिए एक वाहन के चालक को उकसाया था। उल्लेखनीय है कि इस घटना की जाँच उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की निगरानी में हुई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रेन की चपेट में आने से चार युवकों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चारों युवक एक्टिवा से बसई धनकोट इलाके से सटी रेल लाइन पर पहुंचे और जैसे ही ट्रेन नजदीक आने लगी युवक सेल्फी लेने में लग गए। जीआरपी अधिकारी की माने तो इसी के चलते चारों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। फिलहाल जीआरपी ने चारों युवकों के शवों और उनके मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि हादसा इतना खौफनाक था कि युवकों के शव के हिस्से 500 मीटर तक बिखरे नजर आ रहे थे। भारत में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,615 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 11% ज्यादा है। यह नहीं, अब कुल मामलों का आंकड़ा अब 4,27,23,558 हो गया है। देश में अभी भी 3,70,240 एक्टिव मामले मौजूद हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 82,988 मरीजों ने कोरोना से निजात पा ली है और इसके बाद कोरोना संक्रमण से कुल रिकवरी करने वालों की संख्या 4,18,43,446 हो गई है। इसके अलावा 514 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है। वहीं अब मरने वालों की कुल संख्या भी बढ़कर 5,09,872 हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुबह सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यह भूकंप जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 15 किलोमीटर दूर दक्षिण दक्षिण पश्चिमी इलाके में सुबह करीब 5:43 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया गया है कि भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग सहम गए। जब यह भूकंप आया तो अधिकांश लोग सो रहे थे। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर में 10 फरवरी को भी भूकंप आया था। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला।